नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम धोलेरा स्मार्ट सिटी के दो बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, ये दोनों अपडेट्स इतने खास हैं कि इनके बारे में जानने के बाद आपको धोलेरा की रियल वैल्यू पता लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि धोलेरा कितना खास है और इसमें कितनी तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यह चीज भी आप जान पाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। इसके अलावा अगर आप यह वीडियो पसंद करते हैं तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूं और यह वीडियो धोलेरा की इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बेहद ज्यादा मददगार हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि पहला जो अपडेट आया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। यह अपडेट अपने आप में बेहद खास है। इस अपडेट से हमें पता लगेगा कि धोलेरा में कितनी डिमांड है। आपको जानकर खुशी होगी कि पेंडेमिक की वजह से, मतलब कि कोविड की वजह से 2020 में जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो थोड़ा स्लो हो गया था, थोड़ा सा डाउन हो गया था। हालांकि रुका नहीं, ये सबसे पॉजिटिव चीज रही धोलेरा की, क्योंकि पूरी दुनिया में शायद ऐसी चीजें, खासकर इन्वेस्टमेंट की चीजें रुक सी गई थी, क्योंकि लोगों को सदमा सा लग गया था कि भाई अब आगे होगा क्या। लेकिन धोलेरा उस समय भी चल रहा था और धोलेरा में उस समय भी लोग इन्वेस्टमेंट करा रहे थे, उस समय भी रजिस्ट्रियां धोलेरा के अंदर हो रही थी। लेकिन ये जो रजिस्ट्रियां हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन पेंडेमिक के बाद, मतलब कि 2020 के बाद, इन रजिस्ट्री की संख्या में एक आश्चर्यजनक इजाफा देखने को मिला। आपको बता दें कि 2021 में यह संख्या काफी बढ़ गई और 2022 में यह संख्या और ज्यादा बढ़ गई। मतलब 2022 में जो बूम आ रहा है धोलेरा के अंदर वो काफी तेजी के साथ आ रहा है। और ये जो संख्या है, मैं आपको बता दूं, ये वो संख्या मैं बताने जा रहा हूं जो अभी तक रजिस्ट्रियां 2022 में हुई है। सिर्फ 2022 में जो रजिस्ट्रियां हुई है जुलाई तक, मतलब की लगभग 7-8 महीने तक धोलेरा के अंदर लगभग 2200 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या है, क्योंकि भाई देखिए, ये वो मैं बता दूं एक बार फिर से कि ये वो आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इसके अलावा आप लोग अगर धोलेरा से इत्तेफाक रखते होंगे, धोलेरा के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो धोलेरा में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक निवेश कर चुके होंगे लेकिन उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई होंगी, क्योंकि उन्होंने कंपनी से एक टाइम पीरियड मांग रखा होगा, जैसे 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने। मतलब उनकी रजिस्ट्री हो सकता है कि भाई 2023 में हो या 2022 के जुलाई के बाद हो, वो आंकड़े तो अभी सम्मिलित ही नहीं किए गए। मुझे लगता है कि वो आंकड़े अगर इंक्लूड कर दिए जाते तो शायद यह आंकड़ा 10,000 के आसपास पहुंच जाता। 10,000 लोग एक तरीके से 6 महीने के अंदर अंदर धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे प्लॉट की संख्या नहीं गिनी जा रही है, इससे सिर्फ लोगों की संख्या गिनी जा रही है। पंजीकृत जो किए गए आंकड़े वो गिने जा रहे हैं। हो सकता है कि भाई जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है एक्चुअल में वो नहीं देखी जा रही। हो सकता है किसी ने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है किसी ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी ने 20 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो, क्योंकि यहां पर वैल्यू नहीं बताई जा रही है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कितना बड़ा है ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ। सिर्फ कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया यह चीज हम जान पाए, और वो भी सिर्फ वो वाले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। एक तो ये बात हो गई। अब देखिए, आपको बता दूं कि 2023 में अगर हम गवर्नमेंट के आंकड़े देखेंगे तो जो मेरा अनुभव बोल रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि अभी जो आंकड़े गिने गए वो 2300 गिने गए हैं 2022 के जुलाई तक के। लेकिन जुलाई तक के, दिसंबर तक के आंकड़े जो आएंगे, मुझे लगता है वो 10,000 के आसपास के आंकड़े होंगे। और 2023 में आंकड़ा डबल होगा, 2024 में आंकड़ा ट्रिपल होगा, क्योंकि भाई अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी एक्सप्रेस वे बन रहा है। 2023 के मार्च तक एक्सप्रेस वे कंप्लीट होना है। तो समझिए, एक्सप्रेस वे की वजह से बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा बूम धोलेरा के अंदर देखने को मिलेगा। अभी तो एयरपोर्ट पर काम शुरू हुआ ही है। अभी तो जब एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनना शुरू होगी, एयरपोर्ट का रनवे बनना शुरू होगा, और जब एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां फर्राटा भरेंगी, तब लोग धोलेरा में और तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भारत है, भारत में जो दिखता है ना वही बिकता है। और धोलेरा में अभी बड़ी पिक्चर है, वो दिखना बाकी है। जब वो दिखेगी तो डेफिनेटली वो बिकेगी भी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और जो दूसरा अपडेट है वो आया है टाटा एयरबस की तरफ से। जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा एयरबस धोलेरा में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है, और एक बड़े, बहुत बड़े लैंड में, लगभग 1,000 एकड़ के लैंड में यह एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा। और आपको बता दूं कि इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। गुजरात और गवर्नमेंट ने एयरबस और टाटा को, मतलब दोनों मिलकर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है एयरक्राफ्ट की, इन दोनों को सजेशन दिया है कि आप धोलेरा एयरपोर्ट के पास,
मतलब जो धुरैरा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है उसके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि भाई उनको गुजरात में ही लगाना है और धुरैरा में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब गवर्नमेंट ने उनको प्रपोजल दे दिया है कि आप जो अपना सेटअप है वो एयरपोर्ट के पास सेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक और बड़ी न्यूज सामने आई है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जो एयरबस है और टाटा है वो जो गवर्नमेंट की C-295, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, जहां तक मुझे याद है कि C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लोग लगा रहे हैं टाटा और एयरबस मिलके। लगभग 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे। इन्होंने जो बिड है वो जीती थी गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और अब फाइनल स्टेज पर है गवर्नमेंट का और इन दोनों कंपनियों का डिस्कशन। और जहां तक है, अगले आने वाले कुछ दिनों में ही हमें टाटा एयरबस की खुशखबरी भी सुनाई दे जाएगी, पता लग जाएगा कि भाई इन्होंने कहां पर निवेश कर दिया है। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। देखिए धुलेरा दिन ब दिन ग्रो हो रहा है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि धुलेरा वास्तविकता में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग नेगेटिविटी में रहते हैं, देखिए नेगेटिविटी की कोई दवाई नहीं है। अभी मैंने आपको सरकारी आंकड़े बताए कि जुलाई तक लगभग 2200 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, और 2200 रजिस्ट्रियों का जो आंकड़ा आया वो 500 से 700 करोड़ रुपए का आया, लेकिन अपने आप में आंकड़ा और बड़ा होगा क्योंकि अभी बहुत सारी रजिस्ट्रियां हुई ही नहीं है भाई साहब। जब हो जाएंगी तो ये आंकड़ा एक्चुअल में बहुत बड़ा होगा। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही एक सच्चाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ना तो मेरा न्यूज़पेपर है, ना धुलेरा का न्यूज़पेपर है, ना ये कोई प्राइवेट कंपनी की न्यूज एजेंसी है। भाई ये अपने आप में एक सोलो न्यूज एजेंसी है, और इसने जो आंकड़े छापे हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट से साझा करके ही छापे होंगे। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट आए हैं दोनों अपडेट। मुझे लगता है इन दोनों अपडेट्स के बारे में जानने के बाद आपको धुलेरा की अब रियल वैल्यू पता लग चुकी होगी। जो लोग बोलते थे कि धुलेरा में कोई निवेश नहीं कर रहा है, ये लोग यूट्यूब पर से भावा बना रहे हैं। जो लोग बोलते थे कि धुलेरा में कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई टाटा एयरबस ऐसी कंपनियां धुलेरा में क्यों आ रही हैं? अगर धुलेरा में कुछ नहीं हुआ है तो अगर वो लोग वहां पर दिख रहे हैं सेटअप करने का तो कुछ तो वजह होगी। 2200 लोगों ने जुलाई तक रजिस्ट्रियां क्यों कराई? भाई 2200 में हो सकता है 8-10-15-20-50-100 लोग ऐसे होंगे जो धुलेरा में बिना जाने बूझे इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है 90% लोगों ने सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, देख परख के अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो मतलब 2200 में से 2100 लोग मेरे हिसाब से अंधे नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे, मूर्ख नहीं होंगे, जो अपना पैसा मेहनत का पैसा वहां पर डाल रहे हैं। तो अपनी जमीन लीजिए, सही लोकेशन पर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, सारी चीजें देख परख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लीजिए, जमीन पर जाके देख लीजिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो भी अपनी जिम्मेदारी पर। क्योंकि भाई मेरा काम है आपको एक सही सलाह देना, मेरा काम है आपको जो चीजें चल रही हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे अपडेट वास्तविकता के साथ पूरे प्रूफ के साथ आप तक पहुंचाना, जो मैं अपना काम कर भी रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कोई और मदद चाहिए हो, आपको धुलेरा में निवेश करना हो, आपको समझना हो कि क्या है, जैसे ये मैप है इसमें कहां पर आपको निवेश करना चाहिए, क्या प्राइस होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने चाहिए, इसके लिए आप मेरी मदद ले सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं व्हाट्सएप पे या तो कॉल पर आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों अपडेट जानकर आपको मजा आ गया होगा, और अगर आपको मजा आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपडेट्स कैसे लगे और धुलेरा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।